अपने आप में उतरती है तो एक अलग ही चीज नजर आती है जब आप इसको चलाओगे रोड पे। जब हम टेस्ट कर रहे हैं ई मोटर आर्ट की जो है ई बाइक है, जैसे आपके सामने ये है वेस्पा स्कूटर, जो भी बच्चों की चाहत है जिसको आप कह सकते हो। देखो सही एकदम बिना हेलमेट के। दिल्ली गवर्नमेंट का अगर आधार कार्ड आपके पास है तो 7,500 रुपए की सब्सिडी इस पे दिल्ली गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। आज मैं आपको लेके आया हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अपने बच्चों के लिए अपने लिए साइकिल्स हैं, तरह तरह की साइकिल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साइकिल है वो मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे प्राइस पे ब्रांड की जितनी भी सारी साइकिल्स हैं। तो मैं आ चुका हूँ सन्नी साइकिल शॉप पे जो कि आपकी पड़ती है द्वारका में, और मेरे साथ है शॉप के ओनर राहुल भैया। राहुल भैया आपका चैनल पर स्वागत है। और राहुल भैया एक बार आप मेरे व्यूअर्स को जो भी ऑडियंस वीडियो देखेगी बता दीजिए कि यहाँ पर अगर किसी को आना है तो कैसे आ सकता है बंदा। हाय एवरीवन, हमारे रामफल चौक पे आप खड़े हैं सेक्टर 7 द्वारका में। अगर आपको नियर बाय हमारा है ब्लू लाइन सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा, और अगर आप मर्चेंटा लाइन से आते हैं तो पालम आपके बिल्कुल नियर बाय पड़ेगा। बाकी ये मेन चौक कहलाता है रामफल चौक सेक्टर 7 द्वारका जी, इसको आप सेक्टर 7 की लोकेशन डालेंगे तो आ सकते हैं। और द मेन थिंग ये विशाल मेगा मार्ट के बेसमेंट में है, सेक्टर 7 का विशाल मेगा मार्ट बेसमेंट। तो गाइस जो शॉप है वो एकदम मेन रोड पे ही है, अगर आप मेरे ऊपर देखेंगे तो ऊपर विशाल मेगा मार्ट है और बेसमेंट में ही जो है भैया की शॉप है। और अगर आप गूगल मैप पे रामफल चौक डालेंगे तो जस्ट मेरे सामने रामफल चौक है, उसके सामने आपको यहाँ पे भैया की शॉप मिल जाएगी। भैया शॉप के टाइमिंग्स क्या होंगे और वर्किंग डेज क्या होंगे? शॉप की टाइमिंग्स हमारी 10 बजे खुलती है, रात को 9 बजे तक टाइमिंग, और बाकी 25 साल पुराना हमारा स्टोर है जी, ऑल डेज ओपन है हमारा स्टोर। अच्छा, मंडे टू संडे कोई भी आ सकता है? एवरी डे। अगर व्हाट्सएप पे किसी को क्वेरी वगैरह है तो क्वेरीज रेज कर सकते हो, उसके लिए बिल्कुल आपको रिस्पांस करेंगे। तो आपका मैं नंबर और शॉप की लोकेशन एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप यहाँ पे आसानी से आ सको और अपनी मनपसंद साइकिल्स है वो देख सको। भैया अंदर चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं आपके पास कौन कौन सी साइकिल्स हैं। तो कस्टमर्स आप हमारे स्टोर में आ चुके हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है हर साइकिल्स की, इलेक्ट्रिक साइकिल्स की, जिसके अलावा हमारे पास किड्स स्कूटर भी अवेलेबल है, बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी अवेलेबल हैं, बच्चों के स्विंग्स भी अवेलेबल है, क्रैडल्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा फैट बाइसिकल्स भी अवेलेबल है, फिटनेस इक्विपमेंट्स भी आप कह सकते हो वो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास मिलती है आपको। और करंटली जो सिनेरियो में इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ चुकी है वो भी है मार्केट के अंदर हमारे पास। उसके अलावा साइकिल की बियॉन्ड एक्सेसरीज जो आप कुछ भी एक्सेसरीज चाहेंगे वो आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेगी। उसके अलावा बच्चों के लिए राइडर्स होते हैं, किड्स राइडर्स, जिसमें कि आपको हर एक राइडर हम दिखा सकते हैं, राइडर की अवेलेबिलिटी हमारे पास सारी होती है। तो भैया कौन कौन सी ब्रांड्स मिल जाएंगे आपके पास? हमारे पास आपको मिल जाता है हीरो है, फायरफॉक्स है, 91 है, रैली है, सनक्रॉस है, इसके अलावा आपको यूनिरॉक्स है, फैंटम है, जाइंट भी आप कह सकते हैं, जाइंट भी आपका प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर आता है, वो इस लेवल पे भी हमारा प्रीमियम लेवल आता है कंफर्टेबली। बाकी टाटा की साइकिल्स भी अवेलेबल है, क्रॉस भी अवेलेबल है, A1 भी अवेलेबल है, आप ये कह सकते हैं कि एक सिंगल शॉप पे आपको ह्यूज कलेक्शन है, एक इसमें सारा भंडार अवेलेबल है हमारे पास। जैसे कि भैया ने बताया कि भैया के पास छोटे बच्चों से लेकर न्यूबॉर्न बेबी से लेके एडल्ट तक हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सारी साइकिल अवेलेबल है। इनफैक्ट इनके पास जो है पीछे आप टॉयज वगैरह भी देख सकते हो जो बिल्कुल एंड में भैया ने रखे हुए हैं, जो हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। बाकी आप शोरूम कह लो तो मेरे को नहीं लगता भैया की किसी चीज की कमी होगी आपके पास। बिल्कुल, तो मतलब यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, छोटे से लेके बड़े तक की फिटनेस का हर चीज का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, फिटनेस इक्विपमेंट भी भैया रखते हैं और फैट बाइक्स वगैरह में भी डील करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का थोड़ा है कि जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो फैट बाइक की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है भैया। तो स्टार्ट हम वैसे, क्योंकि आजकल जो है कि ट्रेंड चल रहा है, जैसे ई व्हीकल्स हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, उसी के अंदर जो साइकिल इंडस्ट्री है उसमें भी अपना जो है ई साइकिल में जो है कदम रख चुका है, और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो और एक कन्वीनियंस भी मिले हमको उस हिसाब से, कि कोई जैसे हम ई साइकिल ले रहे हैं तो बैटरी ऑपरेटेड वगैरह रहती है और काफ़ी शौक भी रहता है। तो ई बाइक स्टार्ट करते हैं कि किस रेंज की आपके पास मिलेगी और कौन कौन सी ब्रांड्स की ई बाइक जो है आपके पास मिल जाएगी। कस्टमर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि स्टार्टिंग प्राइस अगर आप कहते हैं तो 25,000 से होती है, बट ये मॉडल आपको मिलता है 50,000 के अंदर, जो कि फोल्डेबल साइकिल है, फ्रंट शॉकर्स के साथ है, जिसमें कि शॉकर्स भी अवेलेबिलिटी है, लाइट्स भी दी गई है, फ्रंट लाइट के साथ अवेलेबल है, बैक लाइट भी इसके अंदर दी गई है। एंड द मेन थिंग, ये सिंगल चार्ज पे आपको देती है 50 किलोमीटर का बैकअप। एंड द मेन थिंग, सेकंड मेन थिंग, ये फोल्डेबल साइकिल है जिसको आप इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं, आप कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, इसका हैंडल भी फोल्ड हो जाएगा और आप इसका इजीली कैरी आप अपने चाइल्ड को, एडल्ट को, घर में किसी को भी दे सकते हैं, जो कि बहुत एक कंफर्टेबल प्रोडक्ट है। एंड प्राउड टू बी इंडिया, ये पुणे का ब्रांड है। एंड द मेन थिंग, ये कंपनी जापान में भी काम कर रही है, जो कि कंपनी 2 साल की वारंटी देती है, 2 साल की बैटरी की एंड 2 साल की मोटर की, जिसमें कि शिमानो का गियर सिस्टम कंपनी फिटेड लगा हुआ है, जिसको आप एज अ गियर यूज़ कर सकते हो, एज अ नॉर्मल साइकिल यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले दी गई है जो कि आपको एवरीथिंग शो करेगी कि कितना आपने यूज। तो भैया इसकी प्राइस की बात करें
इसकी प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो 49,999 इसका प्राइस है, जो कि आप 50,000 कह सकते हैं। बट द मेन थिंग कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पे 15,000 की सब्सिडी अवेल की हुई है कि अगर आप इसको परचेज करते हैं, दिल्ली के आधार कार्ड आपके पास है तो 15,000 रुपये की सब्सिडी इस पे दिल्ली गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो कि आपको आफ्टर सब्सिडी 35 की पड़ती है कंफर्टेबली प्रोडक्ट। अच्छा, तो मतलब 35,000 की आपको ये साइकिल मिलने वाली है। बिल्कुल, जो भैया मैंने इसमें एक चीज नोटिस भी की, इसमें गियर्स भी हैं, इसके अंदर गियर्स भी हैं। एंड द सेकंड थिंग, ये सिंगल चार्ज करने पे 50 किलोमीटर का बैकअप देती है, 2 साल की बैटरी और मोटर की वारंटी रहेगी, एंड इजीली डिटैचेबल बैटरी है। इसकी कीज दी गई हैं कि इसके अंदर आप अगर इसको ऑफिशियली यूज़ करते हो और आप इसकी बैटरी को अगर निकालना चाहते हो, ये बैटरी आप इजीली कैरी करके आप जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, एज अ ऑफिशियल यूज़ को यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑफिस में साइकिल को लेके गए, आपने बैटरी को निकाला, चार्ज किया, फिर शाम के टाइम फिर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि घर में आपका अगर 10+ का चाइल्ड है, वो स्कूटी की जिद करता है, तो उसको आप एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कि किड के भी काम आएगा और घर में एडल्ट के भी काम आएगा। एंड आप इसको जस्ट की को लगाएंगे तो यहाँ से बैटरी लॉक भी हो जाती है। इस साइकिल में ना 3 मोड्स होते हैं बेसिकली। अच्छा। जो कि मैं आपको भी तीनों मोड समझाता हूँ। ठीक है। आपके ना 3 मोड्स दिए गए हैं जिसमें कि एज अ इलेक्ट्रिक आपको यूज करते हैं तो ये एज अ इलेक्ट्रिक तो चलेगी चलेगी। इसके अलावा होता है सेकंड मोड पैडल असिस्ट मोड, जिसमें कि ये बैकअप आपको दे सकती है 70 किलोमीटर का। अच्छा। उसके अंदर आप एज अ थ्रोटल भी यूज करेंगे, बीच बीच में थ्रोटल को छोड़ के पैडल भी यूज कर सकते हैं, तो उस केस को मोड को कहते हैं पैडल असिस्ट मोड। उस केस में ही आपका बैकअप 70-80 किलोमीटर तक का देती है। उसके अलावा इसको ऑफ करके यूज करेंगे तो एज अ ये नॉर्मल साइकिल चलेगी। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं ई मोटर आर्ट की, जो है ई बाइक है, तो आप देख सकते हो कैसी लगने में चलेगी। बहुत सही है भाई, बहुत सही मजा आ रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है, देखो ब्रेक भी तगड़ी ब्रेक। पीछे से देखना कि पीछे से चलाने में कैसी लग रही है, और साइड प्रोफाइल आप देख ही सकते हो बाइक का, साइड प्रोफाइल विद फैट टायर जो है बढ़िया है। तो गाइस बढ़िया है, आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल जो है साइकिल का ये रहेगा, आगे से देख सकते हो गूगल कंपनी की ब्रांडिंग है। तो गाइस एक सेकंड बाइक आपको इस सेगमेंट के अंदर ये मिलती है जो हमारी 91 ब्रांड की है, प्राउड टू बी इंडियन ब्रांड है, सिंगल सस्पेंशन के साथ है। ये भी हमारी ई साइकिल है जो कि कंफर्टेबली सिंगल चार्ज करने पे 20 किलोमीटर का बैकअप देती है, जिसमें कि मोड्स दिए गए हैं इसके अंदर भी। ये भी आपका ई साइकिल के अंदर प्रोडक्ट आपके सामने कंफर्टेबली अवेलेबल है। ये नॉन फोल्डेबल साइकिल है, ये उन राइडर्स के लिए जो कि फोल्डेबल साइकिल नहीं चाहते बट एज अ एमटीबी बाइक चाहते हैं, जिसके अंदर फ्रंट सस्पेंशन है, बोथ साइड डिस्क ब्रेक्स हैं, फ्रंट एंड रियर बोथ साइड डिस्क ब्रेक्स विद पैनासोनिक बैटरी। एंड द मेन थिंग, ये भी फ्रंट व्हील इजीली कैरिएबल, अगर आपको साइकिल को कैरी कर कहीं करना है तो आप फ्रंट व्हील डिटैच कर सकते हैं, जस्ट अनलॉक द व्हील एंड डिटैच द व्हील इफ यू वांट टू कैरी द साइकिल, जस्ट इजीली कैरी। इसका कितना रेंज होगा भैया? इसका प्राइस की अगर आप बात करते हैं तो 37,000 की, बट हमारे पास इसका ऑफर है इस प्रोडक्ट पे ये आपको 32,000 की कॉस्ट करती है। और बाकी अगर आप स्टार्टिंग की बात करते हैं तो मेरे पास ई साइकिल की स्टार्टिंग रेंज 25,000 से मिलेगी। 25,000 से आपके पास ई साइकिल की स्टार्टिंग रेंज है। कम से कम कितना किलोमीटर ये सिंगल चार्ज पे आपको 20-25 किलोमीटर का बैकअप देती है, 20-25 किलोमीटर का बीच का, 20-25 किलोमीटर का बैकअप दे देती है। और भैया वैसे इसका चार्ज करने का वैसे तरीका क्या रहता है? इसका जैसे नॉर्मल लैपटॉप फोन का चार्जर होता है वैसे इसका हम चार्जर आपको देंगे। इसका चार्जिंग पॉइंट आपका टॉप पे दिया हुआ है, ये आपका चार्जिंग पॉइंट है इसका कंफर्टेबली। हाँ जी, ये चार्जिंग पॉइंट है टॉप पे कंफर्टेबली। और ये सीधा जो सॉकेट होता है नॉर्मल, हाँ कहीं भी आप नॉर्मल एम्पेयर सॉकेट, हाँ 3-पिन सॉकेट पे आप चार्ज कर सकते हो। तो मेन थिंग कि ये एक यूनिट से भी कम कंज्यूम करती है। एक प्रोडक्ट और रिवील करते हैं हम आपके सामने, ई मोटर एड, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट हमें आपको डूडल दिखाया था, सेकंड है ईएमएक्स जो कि आपके सामने है। इसके अंदर क्या बैटरी डिटैचेबल दी गई है, फुली एमटीबी बाइक है, एंड द फर्स्ट इंडियन ई बाइक जो कि ड्यूअल सस्पेंशन के साथ है, फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर सस्पेंशन ऑल्सो। ये शॉक एब्जॉर्बर है जो कि रियर का भी शॉक एब्जॉर्ब करता है कम्फर्टेबली। एंड इसके अंदर 7x3 का कॉम्बिनेशन है गियर सिस्टम का, जो कि 21 स्पीड के साथ है। 7 गियर्स पीछे हैं, 3 गियर्स आगे हैं। ये भी आपका कंफर्टेबली ई साइकिल के अंदर प्रोडक्ट आपके सामने आता है 21 स्पीड के अंदर, जिसमें कि शॉकर भी लॉकिंग लुकआउट दिया गया है। आप शॉकर को ABS सस्पेंशन है,
शॉकर को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हार्ड स्मूथ कर सकते हैं। लाइट इसके अंदर भी दी गई है, फ्रंट लाइट आपके सामने कंफर्टेबली ये देख सकते हैं आप फ्रंट लाइट के साथ, जिसके अंदर आपको 10,000 की एसेसरीज इंक्लूड मिलेंगी। और दिल्ली गवर्नमेंट का अगर आधार कार्ड आपके पास है तो 7,500 रुपए की सब्सिडी इस पे दिल्ली गवर्नमेंट ऑफर कर रही है आपको। हाँ जी, इस पे भी हम आपको 7,500 की सब्सिडी देंगे। ये आपको अगर आप कहते हैं 59,000 आप पूरा पे करेंगे, 7,500 आपके अकाउंट में आएगा, जिसमें कि दिल्ली का आधार कार्ड और आपके पास कैंसिल चेक आपको सिर्फ देना पड़ेगा हमारे को। तो ये भाई बस ये फोल्डेबल नहीं है, ये फोल्डेबल नहीं है, बट ये आपको देती है 70 किलोमीटर का बैकअप ऑन अ सिंगल चार्ज। इसके अंदर बैटरी बैक बड़ा लगा हुआ है, डबल सस्पेंशन के साथ है, एलॉय पैडल यूज किए हैं कंपनी ने, एक फुली एमटीबी बाइक है जो एक अच्छा राइडर ढूंढता है मार्केट के अंदर कि इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड ये प्राउड टू बी इंडियन ब्रांड है, ये चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी क्वालिटी यूज करती है। इसके अंदर बफांग की मोटर लगी हुई है, सबसे बड़ा ब्रांड बफांग जो क्वालिटी प्रोडक्ट है। शिमानो का गियर सिस्टम है, सस्पेंशन भी आपके सामने दिया गया है एसआर संतूर का, क्वालिटी प्रोडक्ट आपके। तो गाइस देखो, मतलब ये तो जो भैया ने ब्रांड बताई है ई मोटराड वाली, ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ भैया ने दिखाई है, जिस पे दिल्ली गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है। तो मतलब आप ऐसा भी नहीं है कि जो प्राइस पे आ रहा है आप उसी प्राइस पे बाइक लोगे, आपको जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और आपका जो प्राइस है एकदम ही कम हो जाएगा। तो मतलब मेरे हिसाब से तो बेस्ट डील है ये, पैसा वसूल डील है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स पे तो दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी इतनी देगी, तो जो आपको ऑफर प्राइस मिलेगा तो वो प्राइस पे आपको खरीदनी पड़ेगी। पर जब दिल्ली गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है और हमारी गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है, एंड इसका जो बड़ा धमाका है ये आपको 70 किलोमीटर का जो बैकअप देती है, अगर आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही एक मिनिमाइज कॉस्ट में निकल के आती है, जो एक इजी कम्यूट बाइक है गो ग्रीन के हिसाब से। अगर आप देखना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से नितिन गडकरी जी भी कह चुके हैं कि अब एक इलेक्ट्रिक साइकिल ई सेगमेंट आने वाला है, उस टाइम में 25 तक हमारा प्रॉपर ई सेगमेंट आ चुका होगा। बिल्कुल। सो गाइज, मतलब आपके लिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, बाकी आपका बजट है, बजट के हिसाब से आप अपने भैया को अपना बजट बता देना कि भैया मेरे को, मेरा ये बजट है और मेरे को इस सेगमेंट की जो है बाईसाइकिल चाहिए, ई बाइक चाहिए, तो आपको भैया बेस्ट डील दे देंगे। ब्रांड आपको हमारे पास एक और मिल जाता है, थर्ड ब्रांड, जिसको हीरो इलेक्ट्रो, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रांड है और हीरो को अपने आप में एक नाम की ज़रूरत नहीं है। हीरो आप बचपन से यूज़ करते आए हैं हीरो की साइकिल्स, हीरो ने ई साइकिल्स लॉन्च की हुई है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा लेवल पर प्रोडक्ट है हीरो का। क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो ये वाटर डिकल के साथ है, स्टिकर लेस, जिसपे की कंपनी ने स्टिकर नहीं दिया हुआ, जिसमें कि गियर भी दिए हुए हैं, सस्पेंशन भी है, लाइट भी है, और ये साइकिल आरएफ बेसिकली लॉकिंग सिस्टम से चलती है। आप ये कह सकते हैं एज आप इसको कमांड देंगे आरएफआईडी के साथ, जब भी आप इसको ऑन करेंगे, जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करेंगे एज अ कनेक्टिविटी, ये साइकिल नहीं रन करेगी आपके कमांड के बिना। तो ये कनेक्टिविटी के साथ ये साइकिल आती है मार्केट में, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गियर और सस्पेंशन फुली एमटीबी आप कह सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस अगर आप हीरो की करते हो तो हीरो का मेरे पास बेस स्टार्टिंग मॉडल मिल जाता है आपको 30-31,000 रुपये से, जिसके अंदर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने 7,500 की सब्सिडी आपको ऑफर कर रही है अगर आप 1,000 परचेजर के अंदर आते हैं तो। ये मॉडल आपका है, इसके अंदर सब्सिडी नहीं है, बट हम आपको सब्सिडी वाले मॉडल्स भी दिखाएंगे। एक मॉडल ये मिल जाता है आपको सेकंड आपके सामने, जो कि हाइब्रिड साइकिल है, जो भी हीरो इलेक्ट्रो की है, हीरो इलेक्ट्रो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ है, सस्पेंशन के साथ है, एंड द ये हाइब्रिड साइकिल, जिसके अंदर जो टायर दिया गया है ये सिटी राइडिंग पर्पस के हिसाब से बनाया गया है कि आप एक सिटी राइडिंग का प्रॉपर इंजॉय कर सकते हो। ये भी आपके सामने है इनबिल्ट बैटरी के साथ विद गियर मैकेनिज्म, इसके अंदर भी कंपनी ने गियर्स दिए गए हैं कि आप एज अ गियर भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर भी कंपनी ने शॉकर्स भी दिए गए हैं, लाइट भी दिया हुआ है इसके अंदर आपका, और एज अ कंफर्टेबल सैडल बनाई गई है। हीरो का काफ़ी सारा कलेक्शन है, वो भी आपको हमारे स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा, हर एक कलेक्शन के साथ हमने हीरो की इलेक्ट्रो रेंज रखी हुई है, वो भी अवेलेबिलिटी है। आपके सामने एक और न्यू टॉय आ चुका है, जिसको आप कह सकते हैं ईएम लिली। इसका नाम लिली इसलिए क्योंकि सिंगल चार्ज पे ये आपको देता है 25 किलोमीटर का बैकअप, जिसमें कि 120 केजी यूज़र वेट है। एक सिंगल चार्ज करने पे आपको 25 किलोमीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड भी सेट कर सकते हैं। फ्रंट लाइट भी दी गई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, और कंपनी ने इसके अंदर आपको बेल भी दी गई है, ये बेल आपके सामने है कंफर्टेबली, और बहुत सारे रियर साइड डिस्क ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं, कंफर्टेबली डिस्क ब्रेक्स लगाए गए हैं बैक लाइट के साथ, जो कि आपके सामने बैक लाइट भी कंपनी ने दी है सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। ये ई स्कूटर वो काम कर देता है जो अच्छा अच्छा नहीं कर पाता, मतलब एक बार आप खड़े होकर कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कंफर्टेबली आप राइड इसके अंदर ले सकते हो प्रॉपर। इसकी राइड से इतना एंजॉय आप करेंगे जो एज अ होवरबोर्ड लोग यूज़ करते थे, होवरबोर्ड को छोड़ के कंपनी इस पे मतलब लोग इस पे आ चुके हैं, बिकॉज इसके अंदर कंपनी देती है 1 साल की वारंटी। ये बैटरी के साथ है, इसके अंदर बैटरी यूज़ की गई है, इसका चार्जर भी इसके अंदर इसके साथ दिया गया है। अभी हम जो ई स्कूटर है भैया का, जो बहुत डिमांडिंग बनाता है ई मोटराड का, लिली स्कूटर आप मेरे हाथ में देख सकते हो, कितना
फ्लेक्सिबल है भैया है, इसको बाहर टेस्ट करके आते हैं एक बार, लोगों का रिएक्शन देखते हैं और इसको टेस्ट भी करते हैं। भैया जो बोल रहे हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी रही भैया? 25 की स्पीड है, 25 की स्पीड है, तो आप मेरे हाथ में देख सकते हो। तो चलते हैं बाहर इसको टेस्ट करते हैं और इसको मैं आपको अनलॉक भी करके दिखाता हूँ कि अनलॉक कैसे होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे प्रेस करके इसको किया अनलॉक, और उसके बाद बस यहाँ से इसको जब हमने इसका स्टैंड किया है, इसको हमने लॉक टाइट की प्रेस कर दिया। भाई सही चीज़ है, सही चीज़ है, मतलब बहुत सही प्रोडक्ट है। बाकी क्या है आप देखो चलेगा कैसे। इसका ना थ्रॉटल नहीं है, इसका पुश बटन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो पुश बटन सिस्टम है। बस आपको बैलेंस करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। टॉप स्पीड अभी खींच के देखते हैं भाई, भगा आगे, मैं लेके आता मेरे पास, आगे हो जा, आगे हो जा, साइड से आप चेक कर लो, साइड से कैसे लग रही है। बहुत बढ़िया सही कर रही है भाई। तो गाइस मैं आगे चल रहा हूँ, आप पीछे से देखना कैसे लग रही है। तो गाइस देखो सही लग रही है एकदम, बिना हेलमेट के। हेलमेट की भी जरूरत नहीं होगी, कोई आरसी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। बैटरी जीप्स जो कि बच्चों के लिए बहुत शौकिया चीज होती है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लगता है कि यार ऐसा कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके बच्चा अपने उसके लिए प्रॉपर लग्जरी फीलिंग है उसके लिए। तो हमारे पास उसके लिए जीप भी अवेलेबल है, मर्सिडीज कार कह सकते हैं आप अवेलेबल है, BMW अवेलेबल है हमारे पास, बाइक्स काफी सारी अवेलेबल है, R15 अवेलेबल मिल जाएगी, बुलेट मिल जाएगी आपको, एंड KTM ड्यूक, वेस्पा जो कि लोगों की चाहत है बिल्कुल, वेस्पा अगर आप देखेंगे तो वेस्पा भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, वेस्पा भी कलेक्शन है। कस्टमर्स ये जीप हमारे सामने है जो कि आप देख पा रहे हो, कंफर्टेबल बच्चों की एक लवली कार होती है जो कि आपके सामने मैं ऑन करके दिखाता हूँ, जिसमें के अंदर स्विंग का ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आप बात करते हैं स्विंग मोड पर तो ये स्विंग मोड पर भी चलती है, जिसमें कि आप बच्चे को बिठाने के बाद आप कुछ भी काम करें बच्चा इजीली इंजॉय कर रहा होगा। आप इसको नॉर्मल मोड पर यूज़ करेंगे तो ये नॉर्मल मोड पर भी चलती है, जिसमें कि आप इसको एज अ रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, आप कहीं भी जा आप बैठे रहें बच आप कार को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल करना है तो ये आपके हाथ से काम करेगी प्रॉपर, आपके शाप में आती है प्रॉपर। इसके अलावा ये कंफर्टेबली कार है, 11,000 में मैं आपको ये जीप देता हूँ जो कि डबल बैटरी डबल मोटर के साथ है, जिसमें कि दो बैटरी और दो मोटर है कंफर्टेबली, जो एक चार्ज करने पे 40 से 45 मिनट का बैटरी। कुछ वारंटी गारंटी भी रहती भैया? बैटरी ऑपरेट में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, बट आप इसको कह सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल प्रोडक्ट है, बहुत कम खराब होता है। इसके हम प्रिकॉशंस बता देंगे आपको जिससे कि सेफ रहती है बैटरी को, आप सेफ कर सकते हैं। आपके सामने ये है वेस्पा स्कूटर जो भी बच्चों की चाहत है, जिसको आप कह सकते हो ये आपका स्कूटर आपके सामने कंफर्टेबली है, जिसको आप बैटरी ऑपरेट स्कूटर कह सकते हैं एज अ कंफर्टेबल प्रोडक्ट आपके सामने, क्योंकि म्यूजिकल के साथ साथ एज अ कम्फर्टेबली बच्चा राइड कर सकता है। जिसके अंदर बच्चा खुद से चलाना चाहेगा तो खुद से भी चला सकता है, खुद से चलाने का भी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। अच्छा, ये मैनुअल कंट्रोल, हाँ जी, ये पैडल दिया गया है जिससे कि बच्चा मैनुअली ऑपरेट कर पाए। इसका भैया कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? इसकी कॉस्ट की अगर आप बात करते हैं तो मार्केटिंग में 15,000-16,000 है, बट हमारे पास आपको मिल जाता है 10,000 रुपये में। 10,000 में वेस्पा स्कूटर मिल जाता है आपके सामने। तो गाइस मतलब देख लो, आपके लिए जो है भैया ने स्पेशल डिस्काउंट भी रखे हैं, तो जिसमें आप अफोर्डेबल जो है रेंज में अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। तो बहुत बढ़िया आइटम है ये स्कूटर, तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, जिसमें आपका बच्चा जो है खुद भी चला सकता है। यहाँ पे जो है ये पैडल दे रखा है, जिसको प्रेस करने से ये खुद चल जाएगा, साथ ही साथ जो है इसका यहाँ पे ये रिमोट भी है, तो रिमोट से जो है पेरेंट जो है इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। कस्टमर्स आपको हमारे पास हम स्टार्टिंग करते हैं ये आपके सामने अडल्ट सेगमेंट से, जो कि आपके सामने मिल जाती है फैट बॉय, जिसको आप कह सकते हैं सस्पेंशन के साथ है, बोथ साइड डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर दिए गए हैं कस्टमर्स, शिमानो गियर्स जो कि 21 स्पीड गियर सेट के साथ आपको मिलता है प्रोडक्ट, कंफर्टेबली ब्रॉड टायर के अंदर, जिससे एक कम्फर्टेबली फैट बाइक है जो एक अच्छा राइडर यूज़ करता है, कि एक स्टंटिंग ड्रिफ्टिंग अगर आप यूज़ करते हो तो फैट बॉय का एक मज़ा ही अलग है चलाने का प्रॉपर। तो भैया कितने की पड़ जाएगी और कौन सी कंपनी है? देखो ये आपका जो है वेगास है, US का ब्रांड है, ये आपका प्रोडक्ट आता है 16,000 की रेंज में, बट हम आपको ये दे देते हैं कम्फर्टेबली 12,000 रुपये के अंदर। 12,000 रुपये में ये फैट बाइक गाइस आपको मिलने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया डील है। इसमें भैया कितना गियर होगा? इसके अंदर 21 स्पीड गियर्स के साथ 21 स्पीड गियर है, विद शिमानो। अच्छा, और इसकी कुछ वारंटी वगैरह? वारंटी अगर आप बात करते हो तो फ्रेम की रहती है जो कि कंपनी देती है 2 साल के लिए, बाकी गियर्स की शॉकर्स की कंपनी गारंटी नहीं देती। अच्छा,
और ये मतलब अडल्ट के लिए बनी है, अडल्ट के लिए कोई भी एज का मतलब अडल्ट इसको चला सकता है। वेट कितना कैरी कर लेते हो? वेट की अगर आप बात करते हो तो 100 केजी डोमेस्टिक यूजर वेट होता है, बट आप 120 केजी 130 40 केजी तक भी अपने यूज पे ले सकते हैं। 130 40 केजी का मतलब बंदा यूज कर सकता है। आपको फैट टायर का मजा लेना है बट टायर इतना मोटा भी नहीं हो तो उसके हिसाब से ये बाइक आप कह सकते हैं बहुत शनेल इटालियन प्रोडक्ट है, क्वालिटी कंफर्टेबल प्रोडक्ट आपके सामने है शनेल का। इसमें भी शिमानो के गियर लगे? नहीं, ये विदाउट गियर की साइकिल है। अच्छा। इसमें गियर वाली कहोगे मैं गियर वाली भी आपको दिखा सकता हूँ। गियर वाली भी अवेलेबल है हमारे पास। ये कितने की पड़ जाएगी? ये आपके सामने है 13,800 रुपए की रेंज में, बट ये आपको कॉस्ट करेगी 11,000 रुपए की। 11,000 रुपए में आपको सेमी फैट जो है मिल जाएगा। हाइब्रिड साइकिल्स मिल जाती है। हाइब्रिड साइकिल में क्या होता है, ये एमटीबी और एक रोड बाइक ड्रॉप हैंडल का दोनों का टेस्ट आपको देती है, जो एक सिटी राइडिंग पर्पज, जिसे कि आप कह सकते हैं दिल्ली जैसे शहर में, या अगर आप दिल्ली जैसे शहर में गुड़गांव जैसे में अगर आप चाहते हैं तो सिटी राइडिंग के हिसाब से हाइब्रिड साइकिल बहुत कंफर्टेबल राइड देती है, जिसका मजा ही अलग है। चलने में बहुत स्मूथली साइकिल होती है, हर तरीके से कंफर्टेबल, वुमेंस के लिए, मेंस के लिए, वुमेंस के लिए, दोनों के लिए अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास हर तरीके से। इनकी क्या स्टार्टिंग रेंज रहती है भैया? स्टार्टिंग रेंज की अगर आप बात करते हैं हाइब्रिड विद गियर की तो हम आपको दे देते हैं 11,000 रुपये से स्टार्टिंग, जिसमें कि हीरो ब्रांड भी हमारे पास है, रैली भी अवेलेबल है, 91 भी अवेलेबल है, फायरफॉक्स की बात करते हो फायरफॉक्स भी अवेलेबल है, नॉर्मल एमटीबी भी हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो क्रॉस कंपनी की साइकिल है, फ्रंट सस्पेंशन डबल डिस्क ब्रेक के साथ आपके पास है, ये आप बाइक देख सकते हो, ये 17,000 की रेंज में है, बट हमारे पास आपको ये कॉस्ट करती है 13,500 रुपए में। 13,500 रुपए डिस्काउंट क्यों दे रहा? बिकॉज हम एक ऑथराइज डीलर है कंपनी के और दिल्ली का सबसे बड़ा स्टोर है जिसपे आप खड़े हैं, हम क्रॉस के, हीरो के, इवन के हर कंपनी के ऑथराइज डीलर है, और मार्केट में अगर आप प्राइस की बात करते हो तो भंडार है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि ग्राहक आए, हर एक को हम साइकिल का क्रेज चढ़ाएं। ये आपके सामने बच्चों के लिए एक मिनी एमटीबी आ जाती है, जिसमें आप कह सकते हो कि मिनी एमटीबी बाइक आपके सामने है, ये मिनी एमटीबी साइकिल है फैट बॉय बच्चे के हिसाब से, जो कि यूनिरॉक्स ब्रांड का है, जर्मन का ब्रांड है, बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा गियर है। कितने का पड़ जाएगी वाली? ये आपको कॉस्ट करती है 14,000 रुपए की साइकिल। 14,000 रुपए? हाँ जी 14,000 रुपए की, बट ये डिस्काउंट के बाद आपको आएगी 12,000 की। अच्छा 12,000 रुपए, मतलब डिस्काउंट तो यहाँ पे हर चीज पे मिलने ही वाला है, कुछ भी हो जाए। एक टोरंटो कनाडा का ब्रांड है, बहुत प्रीमियम फेमस ब्रांड है जिसको आप कह सकते हैं। टोरंटो की क्वालिटी अलग है, राइडिंग क्वालिटी अलग है, जो कि हमारे राइडर्स हैं बहुत अच्छा फीडबैक हमारे को दे रहे हैं इस ब्रांड के बारे में। इसके अलावा मार्केट इंडस्ट्री के अंदर टाटा ने भी एंटर रख लिया है, टाटा ने भी अपना पैर रखा है और बहुत अच्छे तरीके से रखा है। टाटा की भी बाइक्स? हाँ जी, टाटा की भी साइकिल्स हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि फुल फ्लैच वे में आती है, जिसमें कंपनी का प्रोडक्ट है रफ एंड टफ एंड मेंशन भी होता है प्रॉपर टाटा प्रोडक्ट, ये लिखा भी होगा टाटा प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। इसका जो फ्रेम ज्योमेट्री स्टाइल है, जब ये अपने आप में उतरती है तो एक अलग ही चीज़ नज़र आती है, जब आप इसको चलाओगे रोड पे तो अलग ही फीलिंग आपको नज़र आएगी। जो आपके सामने कलर कॉम्बिनेशन भी एक यूनिक मिल जाता है, बहुत ट्रेंडिंग कलर है, नियॉन और बिल्कुल अट्रैक्टिव कलर है, और इसके अंदर कंपनी ने शॉकर्स, गियर, शिमानो के हर चीज़ कम्फर्टेबल। कितने की दे दोगे ये ऑन वाली? ये आपके सामने है 20,950 की, बट हम आपको दे देंगे ये आपको 15,000 रुपए में। बताओ भाई, था भाई मचा रखी है भैया ने। चीता, जिसका नाम चीता सुन के अगर आपको भी लगेगा ये एलॉय व्हील की साइकिल है। अच्छा। जो कि कलर के साथ अगर आप बात करते हैं तो इसका कलर भी चीता कलर है प्रॉपर साइकिल का, और जो कि इसमें स्पोक्स नहीं है, इसके अंदर स्पोक नहीं होगी, ये स्पोकलेस साइकिल है, जो कि कंफर्टेबल कलर के साथ आती है, मतलब डिफरेंस होती है, चलने में स्मूथ रहती है, इसकी राइडिंग कंफर्ट बेसिकली डिफरेंट है। अच्छा। ये क्या होता है कि आपको एक स्पोक टूटने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप अलाइनमेंट की बात करते हैं तो वो इसके अंदर कभी नहीं आती, दो बोथ साइड डिस्क ब्रेक के साथ है, आप इसको पुल करेंगे तो इजीली व्हील को कैरी भी कर सकते हैं। अच्छा। आपको साइकिल को कहीं कैरी करके ले जाना तो आप इजीली कैरी करके ले। कितने का दे दोगे आप? चीता आपके सामने है 14,900 का, बट चीता हम आपको दे देंगे 12,000 रुपए में। 12,000 रुपए में गाइस आपको चीता मिल रहा है, और क्या चाहिए। और फोल्डेबल साइकिल, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, ये भी फोल्ड हो जाती है, जस्ट आप अनलॉक करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने फोल्डेबल साइकिल है, ये पूरी फोल्ड हो जाती है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, और एक कंफर्टेबल एमटीबी आपके सामने अवेलेबल है। आई होप, वी होप कि हमने आपको जितनी भी साइकिल्स हैं, चाहे वो बच्चे हो जाएं, अडल्ट्स हो जाएं, टीनेजर्स हो जाएं, तो हमने आपको सारी कैटेगरी दिखा दी है, और स्पेशल थैंक्स टू भैया कि भैया ने जो है टेस्टिंग हमको करके दिखाई, जो हमने आपको क्लिप्स दिखाई थी जिसमें मैंने जो ई बाइक्स हैं और ई स्कूटर है बाहर आपको टेस्ट करके दिखाया, तो स्पेशली भैया थैंक यू सो मच, क्योंकि जर्नली क्या है, ये लोग सिर्फ वही करके दिखाते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट पे और क्वालिटी पे जो है वो ट्रस्ट रहता है। तो भैया थैंक यू सो मच, और भैया के स्टाफ को भी थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी हेल्प की वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, आपके लिए शॉप 24/7 खुली है, मंडे टू संडे खुली है, आप यहाँ पे कभी भी विजिट करो, और आपकी कोई भी बजट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहती है तो भैया आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो अपना बजट है भैया के साथ डिस्कस करो, और
बढ़िया से बढ़िया साइकिल लेके जाओ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी है कन्फ्यूजन आ रहा है साइकिल्स के अंदर, चाहे वो फैट बाइक्स हो जाए, एमटीबी हो जाए और ई बाइक्स हो जाए, तो गाइस याद रखना ई बाइक्स पे आपको यहाँ पे सब्सिडी भी मिलेगी, जो दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो वो भी आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी देखो साइकिल्स जो एक शौक होता है, और जो शौकीन लोग होते हैं वो पैसा नहीं देखते, वो अपना पहले जो है शौक पूरा करते हैं। तो अगर आप भी शौकीन हैं इन सब चीज़ों का, तो सनी साइकिल्स पे जरूर विजिट करना, जो आपकी पड़ेगी द्वारका में रामफल चौक के नियर बाय। लोकेशन, भैया का नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं जो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप यहाँ पे आसानी से पहुँच जाना। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया, कोई भी क्वेरी रह गई, तो आप कमेंट्स में फ्रीली कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, भैया की मेहनत मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और गाइस हाँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन जो है भैया के पास आ जाने चाहिए, और भैया को आप बिज़ी कर दो कि भैया हमें ये साइकिल चाहिए, वो साइकिल चाहिए, तो बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं, शॉप है, सब भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे आना अगर आपको अपनी नेक्स्ट बाइसाइकिल खरीदनी है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलूंगा मैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। कस्टमर वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।